हम सबको भी तो ज्ञात है या तो पूरे मन से या पूरे प्रेम भाव से आप अभी क्रोधित हैं हमसे। उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब आप भी हमें समझेगी कि हम जो भी कर रहे हैं इन्हीं राखियों के मान सम्मान और अपनी कर्तव्य बद्धता के कारण करें। हम आपसे कट्टी हैं, आप हमारे जादूगर मित्र हैं। क्या अधिकार है आपको इस तरह आप हाथ झटकेंगे अपने जादूगर मित्र का? क्या यही व्यवहार सिखाया हमने आपको? तो जैसे अभी भाई जी जो हैं वो कोई चाल चल रहे हैं और जो मीनाक्षी हैं वो बहुत अभी एकदम से पलट गई हैं। अब देखना ये है कि मीनाक्षी जी सचमुच इस विवाह के लिए कहते ना उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार लिया या फिर सचमुच वो एक बदले की भावना के साथ भाई जी के साथ हैं। अब हम लोगों को नहीं पता चल रहा बट इतना ज़रूर हमें पता चला है कि कुछ ऐसे सच हैं जो भाई जी को सचमुच पता थे लेकिन उन्होंने ऐसा शो किया कि जैसे उन्हें नहीं पता। संध्या काल का मुहूर्त है, इस पूजा में परिवार के सभी बच्चे अपने पिता के साथ सम्मिलित होंगे। वो अपने पिता का चित्र अपने साथ रखकर इस पूजा में सम्मिलित होते हैं। बहुत सारे राज हैं, बहुत सारी मिस्ट्री है, बहुत सारा ड्रामा है, बहुत सारा एंटरटेनमेंट है। सो आने वाले कुछ एपिसोड में आप लोगों को बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिससे आप लोगों का बहुत एंटरटेनमेंट होगा। और ध्रुव तारा एक अलग यू नो एक स्टेप चढ़ चुका है और ड्रामा में। सो आई फील कि आप लोगों को ये जो आने वाला ड्रामा है थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा सैड भी लगेगा, इमोशंस बहुत ज़्यादा होंगे, रोमांस भी है ध्रुव तारा का, भाई जी मीनाक्षी जी का भी है। सो लेट्स सी आने वाले एपिसोड्स आप लोगों को कैसे अच्छे लगे, बुरे लगे या बहुत अच्छे लगे या फिर कोई कमी पेशी है जो भी है हम लोग उस यूट्यूब के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें ज़रूर पढ़ते हैं, हम सभी पढ़ते हैं। एंड आई होप आप हमें ऐसे ही प्यार सपोर्ट करते रहें और दुआएं देते रहें, हमारा जो ध्रुव तारा है वो ऐसे ही ग्रो करता रहे और हम आप लोगों को एंटरटेनमेंट देते रहें। थैंक यू।